पवन वाई में आपका स्वागत पूरा घूरा का सीखा काम करता है ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ तो दिन से मल्टीप्लाई मार देगा सबकी महाराज बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा नमस्कार दोस्तों पवन वाई गडम में आपका स्वागत है आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एमएचटी सीईटी का जो क्लास है एमएचटी सीईटी की तैयारी कैसे करें या एम एस टी सी टी की परीक्षा कैसे होती है किसके लिए होती है तो सारा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ बहुत बड़ा वीडियो नहीं बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जैक्टली exactly आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है इसके बाद का अगला वीडियो आएगा जो एम एस टी सी टी के बुक्स के ऊपर होगा अगर आपको वो वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बुक्स के लिए भी वीडियो बताइए क्योंकि कुछ बच्चे तो मुझे बोल रहे थे लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले एम एस टी सी टी के लिए एक वीडियो दे दिया जाए उसके बाद में हम प्रॉपर वे में जो है अगला वीडियो देते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं यहां पर आ, हमारे वेबसाइट के ऊपर देखिए गूगल पे आ चुका हूं मैं तो देखिए हम आ, आ गए हैं गूगल पर यहां पर आपको टाइप करना है सीई जैसे सीई टाइप करेंगे नीचे सीई सेल आ जाएगा इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये पहली वेबसाइट ओपन होती है आ, वेलकम टू तो स्टेट कॉमन कॉमन एंट्रेंस एं, टेस्ट सेल फॉर महाराष्ट्र महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ये जो सेल है उसका ये वेबसाइट ओपन हो रहा है इसको क्लिक करना है यहाँ तीन आपको दिखेंगे कैप पोर्टल है जो लोग अभी बारहवीं की एग्ज़ाम देके जिन्होंने सीई दे दिया है ये उनके एडमिशन के लिए है आ, क्लिक हेयर फॉर फॉरिन कैंडिडेट्स अपन फॉरिन फॉरनर के नहीं है यहाँ पर आएगा क्लिक हीयर टू सी टी पोर्टल तो इसको क्लिक करता हूँ मैं तो एक पेज आपके सामने ओपन होगा यहाँ पर आपके सामने देखिए अलग अलग एग्जाम्स के एम का भी सी होता है एम का होता है एम का होता है अलग अलग एग्ज़ाम्स का होता है तो अपन यहाँ पर आते हैं दैट इज़ इंजीनियरिंग के लिए कि बैचलर इन इंजीनियरिंग बैचलर इन फार्मेसी यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ मैं तो एक और नया पोर्टल यहाँ पर नया पेज ओपन होता है और यहाँ पर आपको अलग अलग ये देखिए रिजल्ट्स और बाकी चीज़ें यहाँ आ रहा है तो देखो यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर डिटेल मिलता है ये एक पेज ओपन होता है इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी है लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन पर अपने को काम नहीं है अपना इन्फॉर्मेशन जो है सिलेबस पे आते हैं हम क्योंकि सिलेबस क्या होगा मेन ही है अब देखिए पेज आपके सामने ओपन हो गया है यहाँ पर आपको एम एस टी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे के है बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन दो में भी रहने वाली है इसमें सब कुछ बता के रखा है कि पेपर कैसे होंगे क्या होगा अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी मतलब जो पेपर बनने वाला है वो महाराष्ट्र मतलब जो इलेवंथ का सिलेबस है उसमें से कितना बीस परसेंट और ट्वेल्थ के सिलेबस से एट्टी परसेंट वो लिया जाएगा ठीक है तो यहां देखे रखा है पेपर कैसे होंगे देर विल भी नो निगेटिव मार्किंग यहाँ क्लियर लिखा है कि देर विल भी नो निगेटिव मार्किंग निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ठीक है डिफिकल्टी लेवल विल बी एट पार विथ द जेई मेन्स इसमें क्या होता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जेई के लेवल का होता है अब आप बोलोगे सर नहीं हमने तो पेपर देखे बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं देखो क्या हुआ ना दो हज़ार बीस में जब कोरोना आया तो उसके बाद तो स्कूल कॉलेजेस बंद पड़ी थी तो दो हजार बीस का पेपर इक्कीस का पेपर बाईस का पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल थे इस साल जो पेपर हुआ दो हजार तेईस का ये लिटरली पहले के पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट आया है और इसीलिए रिजल्ट भी बहुत डाउन लगा है मतलब सीई सेल भी अपनी एग्जाम को ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रही है इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है पर हाँ लेवल जो है वो जेई के बराबर ये बोलते हैं लेकिन जेई से ये सिंपल ही होता है ठीक है और इसमें कैसे होगा पेपर यहाँ पर कुल मिला तीन पेपर होते हैं अगर आप पी तीनों में देना चाहते हैं तो, तो मैथ्स का पहला पेपर होता है जिसमें दस क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं थ के सिलेबस से और चालीस क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्वेल्थ के सिलेबस पे होते हैं हर क्वेश्चन को दो मार्क होता है टोटल सो मार्क का पेपर होता है नाइन्टी मिनट मतलब डेढ़ घंटे के अंदर आपको सौ क्वेश्चन करना पचास uh, क्वेश्चन करना होता है ऑन एन एवरेज दो मिनट आपके पास में होता है दो मिनट से भी कम का टाइम होता है एक क्वेश्चन को करने का फिजिक्स में भी दस क्वेश्चन इलेवंथ के सिलेबस से होते हैं और चालीस क्वेश्चन जो है ट्वेल्थ के सिलेबस से होते हैं जो दूसरा पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड पेपर होता है ठीक है तो दोनों जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री में दस दस क्वेश्चन जो होते हैं इलेवन्थ के सिलेबस से होते हैं चालीस चालीस क्वेश्चन ट्वेल्थ के सिलेबस से होते हैं और यहाँ कुल मिला के सौ क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन पर एक मार्क मतलब सौ मार्क का होता है ये भी ये भी लंबे मिनट का होता है यहां पर आपके लिए टाइम कम पड़ता है थोड़ा समझ लो मैथ्स के लिए टाइम आपको ज्यादा मिलता है कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि भैया थियोरिटिकल है पढ़ो और डायरेक्ट आंसर लगाओ ठीक है और फिर होता है बायोलॉजी का जिसमें बीस क्वेश्चन जो है इलेवंथ से आते हैं और अस्सी क्वेश्चन जो है ट्वेल्थ से आते हैं ये भी सौ मार्क का होता है कुल मिला के तीन सौ मार्क का होता है अब जो पीसी बी दे रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उनके लिए ऊपर के दो पेपर है और जो पीसी बी दे रहे है, उनके लिए नीचे के दोनों पेपर जो तीनों मतलब सभी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं ठीक है उसके लिए फीस भी इसका बाकी अलग होता है अभी इस साल का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा इस साल की एग्जाम कब होगी इस साल का ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जब आएगा तब तो मैं आपको पूरी डिटेल उसकी देने ही वाला हूँ यहाँ देखिए नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर टोटल सिलेबस भी देख रखा है तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप एक काम करो ये जो मैं बता रहा हूं मेरे पीछे स्क्रीन के पीछे इसका फटाफट स्क्रीन ले लो और आपको आगे भी बताता हूं मैं ले लिया आपने स्क्रीन देखिए अभी अगर अपने यहां जाते हैं इंफॉर्मेशन पे तो आपको देखिए यहां मराठी में भी यूजर मैनुअल देखे रखा है अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है आप मराठी को क्लिक करो और ये पूरा यूजर मैनुअल बैठ के आप पढ़ सकते हो अपने मोबाइल के अंदर

अगर मैं आपको कहूं कि जो इलेवंथ का जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो इलेवंथ के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कंपेरेटिवली ट्वेल्थ के सिलेबस से ट्वेल्थ के क्वेश्चन से और अब हम ऑलरेडी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं सीई का तो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आपके लिए मिल गई है आपके सामने चैप्टर भी है आप इन चैप्टर्स को अच्छा करो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको रेगुलर ठीक है मेरे साथ आप जुड़े रहो मेरे साथ पढ़ते रहो आपको और कौन से टाइप के वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे बताओ मैं डेफ़िनेटली आपके लिए उस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको बुक्स के लिए वीडियो चाहिए मैं मुझे पहले बच्चों ने बताया था हाँ चाहिए लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो बताइए तो मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और हर दिन एलेवन ट्वेल्थ के बच्चों को बोलना चाहूँ हर दिन मैं uh, जो है ट्वेल्थ का लाइव ले रहा हूँ रात को नौ बजे और सी के भी क्लासेस हमारे चैनल पर रेगुलर हो रहे हैं हफ्ते भर में तीन वीडियोज़ होते हैं तो रेगुलर उनको ज्वाइन करो सीखते रहो मेरे साथ मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ और कोई पेड कोर्स भी नहीं है एक सिर्फ ट्वेल्थ का कोर्स है जो कि ये एकमात्र कोर्स है लेकिन सी के लिए मेरा कोई पेड कोर्स नहीं रहने वाला मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ ठीक है चलो और बहुत जल्दी मैं आपको ऐप के ऊपर भी अपडेट करके दे दूँगा ठीक थैंक यू वेरी मच देखते रहे पवनवाई अकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद